मेरे बाल कट गए हैं मम्मी। चैनल कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपके साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ मेरे आज के डे का। और मैंने रिबॉन्डिंग का तीसरा दिन है, मुझे हेयर वॉश कराना है। मैंने आहाना के बर्थडे वाले दिन अपनी रिबॉन्डिंग कराई थी, उससे पहले मुझे टाइम नहीं मिला, मैं कन्फ्यूजन में थी कराऊँ कि नहीं कराऊँ। बट जिस दिन बर्थडे था उस दिन ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे, तो मैं सोचा करा लेती हूँ। बट रिबॉन्डिंग के बाद भी ये देखो कि कितने बेकार हो रखे हैं मेरे बाल, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे क्योंकि मैं उनके केयर नहीं कर पाती और सोने की वजह से ख़राब हो जाते, जब दब जाते हैं तो उसकी वजह से ख़राब हो गए थे। और मैं इनको बांध के सो गई थी। और मैंने कैटिंग के बाद इनमें ऑयलिंग कर ली थी, और कैटिंग और रिबॉन्डिंग के बाद कभी भी हमें ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये ऑयलिंग की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गए थे मेरे बाल। तो अभी मैं जा रही हूँ हेयर वॉश के लिए, बाकी सारी फुटेज आपको वहीं देखने को मिलेंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं भी जाओ तो पहले सैनिटाइज कर लो, ठीक है? मास्क जरूरी नहीं है। अब ये बंद हो गया।
सब्सक्राइब करो मेरे चैनल। यहाँ पे सही है, जहाँ पे भी है अच्छी चीज़ है। इसलिए भी कुछ भी लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। दुनिया दीवानी है मैनू मिलन दे लई, पर मैं तां पागल हां तैनू मिलन दे लई।